वैक्सीन लगाने के लिए दिव्यांग नागरिक काफी समय से परेशान थे। उन्हें प्राथमिकता के तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन उन्हें आज तक यह सुविधा नहीं मिल पाई थी। अगर उन्हें स्लॉट दिए जा रहे तो वे उनके घर से काफी दूर मिल रहे थे, जहां उन्हें ले जाना बेहद मुश्किल था। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों को कोरोना वैक्सीन अस्पताल में ही लगे यह सुनिश्चित किया है गया है, जिसके चलते आज सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई जानी थी। सोलन के दिव्यांग नागरिक बेहद उमंग के साथ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां पर पहुंचकर उन्हें बेहद हताशा हाथ लगी, क्योंकि जो व्यवस्था दिव्यांगों के लिए की जानी थी वो नहीं की गई। दिव्यांगों को तीसरी मंजिल पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की थी। जो दिव्यांग ठीक से चल नहीं पाते हैं उन्हें ऊपर लेकर आना परिजनों के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते लोगों में भारी रोष और हताश देखने को मिली। परिजनों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे बेहद खुश थे कि सरकार ने दिव्यांगों को ख्याल रखा और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए विशेष प्रबंध किया, लेकिन जब वे यहाँ पहुंचे तो यहाँ की स्थिति को देखकर बेहद दुख हुआ, क्योंकि विशेष बच्चों को चलने में बेहद दिक्कत होती है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए तीसरी मंजिल में जाने को कहा गया। यही नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए व्हील चेयर का प्रबंध भी अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए वे चाहते कि अगर दिव्यांग बच्चों को वैक्सीन लगानी है तो उन्हें धरातल मंजिल पर ही वैक्सीन लगाई जानी चाहिए और उनके बैठने के लिए भी उचित प्रबंध होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। इन अव्यवस्थाओं के कारण सभी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं सीएमओ साहब का और सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दिव्यांगों के बारे में सोचा, पर मैं थोड़ा सा डिसपॉइंट इसलिए उनकी थोड़े से मैनेजमेंट में कमी थी, क्योंकि व्हीलचेयर भी उठा के ऊपर को लानी पड़ी थी। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वैक्सीनेशन हो कहाँ रहा है, क्योंकि रैंप का भी पता नहीं था और सबको पूछ के करना पड़ रहा था कि कहाँ। तो मैं अगली बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, दिव्यांगों की थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा है, जो हम नॉर्मल लोग हैं उनसे थोड़ी सी इनकी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा इनके साथ प्यार से और इनकी ज़रूरतों को पूरा देखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनके साथ। तो मैं ये कहूँगी सरकार से और सीएमओ साहब से कि अगली बार अगर जब कैंप लगाएं विकलांगों का, तो ये थोड़ा या तो ग्राउंड फ्लोर में हो या कोई ऐसा हो कि उनको बताए कि आपने वैक्सीनेशन कहाँ कराना है, हमारे रैंप कहाँ है, व्हील चेयर होनी चाहिए थी इधर, जो कि नहीं थी, जो मुझे कमी नज़र आई है व्हील चेयर की भी, और उनको बड़ी मुश्किल से हम ले लेके आ रहे थे इधर। तो ये मैं ज़रूर हाथ जोड़ के विनती करूँगी। बाकी मैं धन्यवाद करती हूँ सीएमओ साहब का भी और सरकार का भी, उन्होंने दिव्यांगों के बारे में सोचा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दूसरे उनसे दिव्यांगों से भी वो करूँगी कि वैक्सीन लगवाएं और अपनी बीमारी बचाएं, कोविड से लड़ना है और अपने को बचाना है। हमारे लग गया है, बहुत परेशानी हो रही थी, बुकिंग नहीं हो पा रहे थे, रजिस्ट्रेशन तो हो गया था पर बुकिंग जो होती थी वो 2 या 3 मिनट में हो जाती थी, और जो खाली भी होते थे वो दूर दूर होते थे, और जैसा कि हमारे दिक्कत है प्रॉब्लम है जाने में, तो हम नज़दीक देख रहे थे, नज़दीक हो नहीं पा रही थी।